भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। कई लोग कोरोना से संक्रमित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ी सी सावधानी से कोरोना को हराया जा सकता है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कोरोना पर कि कैसे आप इस वायरस से खुद और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम स्वराज सेहत, और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश शर्मा, और साथ ही रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर SN मडरिया। तो शुरू करते हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश स्वराज सेहत। तो सबसे पहले राजेश जी आपके पास आऊंगी। लगातार बात हो रही है कि बार बार हाथ धोना जरूरी है, बार बार हाथ धोना जरूरी है, इसके चलते हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने हमारे दर्शकों को ये बात साफ कर दें कि बार बार हाथ क्यों धोना है और कोरोना से बचने के लिए ये कितना असरदार है। नमस्कार, सवाल देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत मेरी एक प्रार्थना है आप सबके लिए। कोरोना वायरस जो है ये एक ऐसा परिवार है कोरोना वायरस का जिससे हमको सर्दी जुकाम अक्सर होता आया है कोरोना फैमिली का। लेकिन ये जो वायरस है जो COVID-19 पैदा कर रहा है, ये वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है, बदलता है, और इसमें बार बार हाथ धोने की जो आपने मैडम से बात पूछी है उसका पर्पस केवल ये है कि इस कोरोना वायरस में और जो पहले जो सर्दी जुकाम करने वाले कोरोना वायरस में मेन अंतर ये है कि इसका जो सर्वाइवल टाइम है, इसका इंक्यूबेशन टाइम जो है वो ज़्यादा है। जैसे जिसको ये एक्सपोजर होता है, जो कोरोना से इन्फेक्ट हो जाता है, अगर वो व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो ये कोरोना वायरस उसके एरोसोल्स में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें ये चिपक के बहुत देर तक कमरे में विराजमान रह सकता है, 3-4 घंटे तक, और ऐसे कई सरफेस पे जो है ये घंटों तक जीवित रह सकता है। तो दूसरे मानों में कहूँ तो ये कंटेजियस बहुत है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पीड़ित आदमी कोरोना के इस कमरे में आता है और वो छींकता है या खांसता है, उसके बाद चले भी जाता है, तो उस कमरे में जो है ड्रॉपलेट्स बहुत समय तक विद्यमान रहते हैं, और वहाँ अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता भी है तो वो भी इस संक्रमण का शिकार हो सकता है। और अक्सर हमारी आदत होती है कि हम जब भी कहीं जाते हैं दरवाजे के नॉब का छूना या सीढ़ी चढ़ते समय उसकी रेलिंग को छूना या बैठे हैं, अक्सर ये चीज़ें इनवॉलंटरी हो जाती हैं और उसके बाद जाने अनजाने जो है वो चेहरे पर चले जाता है हाथ हमारा, चूँकि ड्रॉपलेट्स के माध्यम से होता है। तो ये अगर हम ऐसी जगह जाएं जहाँ पे अननोन जगह है, यहाँ वहाँ पे अगर कोई पहले अगर संक्रमण वाला बंदा गया है तो हाथ धोने से, बार बार हाथ धोने से हमारे हाथों में कम से कम चिपका हुआ जो वायरस है वो हमारे हाथों से छूट जाता है साबुन से या सैनिटाइजर से, पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह है कि अगर हम मास्क लगाते हैं तो मास्क से जो है डायरेक्टली जो ये वायरस जो है डायरेक्टली जो संक्रमण है वो सांस के माध्यम से गले में जाता है और गले से नीचे ट्रैक करता है। इस वायरस की जो विशेषता है वो ये विशेषता है कि अक्सर जो है हमको जुकाम होता है तो हमारी जो कफ होती है वो थोड़ी गीली कफ होती है, वेट कफ होती है, हम खांसी करते हैं तो बलगम बाहर आ जाता है। इस कोरोना में ये खासियत है कि इससे जो बलगम पैदा होती है वो बहुत ड्राई है, इसलिए इसमें सूखी खांसी है, गीली खांसी नहीं है। तो पहला सिम्टम जो है बुखार का है, उसके बाद सूखी खांसी, और बाद में जो म्यूकस है, जो बलगम है, वो सांस की नली के अंदर जो है जगह बनाते बनाते सांस की नली को छोटा करती है, छेद की जो डायमीटर है उसको पतला करने से हमको फिर सांस में दिक्कत होती है, ब्रेथलेसनेस की दिक्कत होती है। तो हाथ धोने का बार बार पर्पस और मास्क लगाने से कम से कम ये है कि डायरेक्टली वो सांस जो हवा जो है वो हमारे नाक सांस में ना जाए, फेफड़ों में ना जाए, तो मास्क मदद करता है। और बार बार हाथ धोने से है कि अगर हमने कहीं सरफेस पे, ऐसी सरफेस पे छुआ है जहाँ पे वायरस चिपका हुआ है
तो हमारे हाथ जो है वो धोने से वायरस हमारे हाथों से मुक्त हो जाता है। जी मैडम जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। मैं पहले हमने ये बातें सुनी थी कि जो इंसान 60 साल से ज्यादा उम्र का होगा उसे ही कोरोना वायरस का ज्यादा खतरा है, और साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा था कि उनकी मौत हो सकती है, बाकी जो कम उम्र के लोग हैं वो इससे बच सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि छिंदवाड़ा में अभी हाल ही में एक केस सामने आया जहां पर 33 साल का युवक था जिसकी मौत हो गई थी। तो मैं चाहूंगी ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इसको लेकर आप साफ कर दें कि किन लोगों को कोरोना हो सकता है और कैसे इससे बच सकते हैं। क्या कुछ एज को लेकर भी इसमें कुछ डिवाइड किया गया है? मरेल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आई आई आ जाइए जी। हाँ, आपने जो पूछा कि ओल्ड एज में रिस्क ज्यादा क्यों है जी, उसका कारण ये है कि जहाँ एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी रेजिस्टेंस कम होती है। ओल्ड एज में एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ये सब चीजें होने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हर नई चीजों को उतना फास्ट रिएक्ट नहीं करता जितना यंग एज में होता है। इसलिए जो वर्ल्ड वाइज रिपोर्ट है उसमें आफ्टर 70 इयर्स मॉर्टिलिटी बहुत हाई है। बहुत हाई है मतलब कहीं 8% है, कहीं 10% है। और जैसे एज कम होती है, जैसे अर्ली एज में 0 से 20 ईयर में इंडिया में 0.2% मॉर्टिलिटी है। इसलिए हमें ओल्ड एज के मरीजों को अगर किसी प्रकार की जिसको ऑलरेडी बीमारी है उसमें तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतना पड़ेगा अपने को। ये बात अलग है कि ऐसे भी रिपोर्ट है कि 90 साल के लोग ठीक हो गए, 93 साल के लोग ठीक हो गए। ये बॉडी की क्षमता भी निर्भर करता है। और आपने जैसे कहा कि 35 साल का आदमी क्यों चला गया, तो 35 साल के आदमी में कई फैक्टर हो सकते हैं। या तो बॉडी ऑलरेडी किसी प्रकार से स्टेरॉयड लेने के कारण, किडनी डिसीज के कारण, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के कारण, या ऐसा वायरस उससे मिला जिसमें विरुलेंस बहुत ज्यादा रहा जी, तो इसके कारण उसकी डेथ हो गई जी। तो भदरी जी, ये बात हम अपने दिमाग से निकाल सकते हैं कि एज के अकॉर्डिंग कोरोना नहीं होगा? नहीं, ये तो एज के अकॉर्डिंग इम्यूनिटी के अनुसार कोरोना का सीवियरिटी डिसाइड होता है जी। और इम्यूनिटी को कैसे, इसलिए हमेशा हम ये कहते हैं कि जी मैडम जी, इम्यूनिटी को कैसे अच्छा करना है ये मैं आपसे जानूंगी, आपके पास आऊंगी। पर पहले उससे पहले मैं राजेश जी से सवाल करूंगी कि राजेश जी, हम लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आंकड़ा है वो लगातार कम हो रहा है, पर बात करें मध्य प्रदेश की तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? मैडम देखिए, दो चीजें हैं, मैं थोड़ा सा विषय के आसपास ही रहूंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक कि हम भारत देश में रहते हैं और हम अगर अभी इस ग्लोबल एपिडेमिक की बात करते हैं तो मैं स्पेन से तुलना करना चाहूंगा भारत की, कि स्पेन में पहला जो पॉजिटिव केस था वो 29 जनवरी को मिला था और भारत में पहला केस 30 जनवरी को मिला था। लेकिन उस जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च और आज 7 अप्रैल हो गई है, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं 6 या 7 अप्रैल आज जो है, और अगर हम ध्यान से देखते हैं तो स्पेन के मुकाबले भारत देश में बहुत कम पॉजिटिव केसेस हैं और डेथ रेट बहुत कम है। पॉजिटिव केसेस कम, एक कारण ये मान सकते हैं कि हमारे पास अभी फिलहाल इनएडिक्वेट फैसिलिटीज है, लेकिन जो डेथ की संख्या है वो वाकई बहुत कम है। और उसके लिए मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि एक तो ये है कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेवलर्स जो ये वुहान से या डायरेक्टली जहाँ से जो इन्फेक्शन लेके आए वो हिंदुस्तान में कम है। दूसरी बात, आज हमारा देश जो है पूरे विश्व में 65% जो जनता है हमारी 35 साल से कम है। आदरणीय मेडरिया साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उम्र जो है, यंग उम्र में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है और हमारे यहाँ रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, हम किसी भी वायरस से लड़ने की क्षमता कहीं ज़्यादा होती है। तो ये बिल्कुल सही कहना है कि इस वायरस में, ये सर्दी जुकाम जैसा ही वायरस है, इसमें ठीक होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और कई बार तो ऐसा होगा कि जो यंग ब्लड है, जो अंदर से इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उनको ये वायरस का संक्रमण होगा और हो सकता है उनको पता ही न चले, थोड़ा बहुत फीवर होगा, उसको अगर थोड़ा सा भी उन्होंने वैसे किया तो ठीक भी हो जाएंगे वो। 14-15 दिनों में इसके वायरस की उम्र वैसे भी खत्म हो जाती है। तो
सवाल यहाँ पे है कि हाँ जो बुजुर्ग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज है, या उनको कोई और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, या कोई कैंसर की थेरेपी ले रहे हैं, और कोई यंग भी ब्लड हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन्हीं को जो है ये वायरस का प्रभाव कहीं ज्यादा होता है। जी ऐसे मैडम जी, आपके पास मैं आऊंगी इम्यूनिटी को लेकर तो मेरा सवाल था उसका भी जवाब लूंगी, पर जो छत्तीसगढ़ में लगातार आंकड़े कम हो रहे हैं इसके पीछे आप क्या कुछ कारण मानते हैं? जैसे शर्मा साहब ने बताया कि जो आने वाले लोग हैं, बाहर से आने वाले लोग हैं डायरेक्ट चाइना से, उनकी संख्या यहाँ कम है जी। और यहाँ जो सावधानी बरता गया है बहुत पहले से ले लिया गया है, इसके पहले कि ये लोगों में मिक्स हो, जितने लोग भी बाहर आए उसको डायरेक्ट यहाँ क्वारंटाइन में रखा गया है। अभी भी जितने भी लोग दिल्ली से आए हैं जो मकरस से, वो सब क्वारंटाइन में है, एक आध दो ही आइडेंटिफाइड नहीं हुए, बाकी सब क्वारंटाइन में। इसी तरह जो बाहर के लोग जितने भी आए थे उसको डायरेक्ट क्वारंटाइन में रख दिया गया है, तो टर्सरी यहाँ स्प्रेड नहीं है। जितने भी केस आए थे हमारे यहाँ पॉजिटिव, 8, 9, 10 केस जो आए थे, उसमें से एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी सब डायरेक्ट ट्रेवलर ही थे, तो इसलिए यहाँ अभी थर्ड लेवल का स्प्रेड मतलब कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ये दोनों का कारण, इसके अतिरिक्त जो यहाँ के लोगों का जो कोऑपरेशन है कि ये सब चीजें केवल उन्हीं के लिए किया जा रहा है, जितने सावधानियां हैं वो केवल पब्लिक के लिए है, उन्हीं के हेल्थ के लिए है, फ्यूचर के लिए है, उसका जो पालन यहाँ जिस तरह देखने में मिला है वो 3-4 फैक्टर है जो काउंट किए हैं कि यहाँ कंट्रोल अच्छे से है। और इम्यूनिटी की बात है तो इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ाया जा सकता, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारी अपनी लाइफ स्टाइल, खाने के तरीके, हर चीज काउंट होता है, और इसलिए अभी अपन सोचे कि आज 2 दिन में इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे, इन्फेक्शन नहीं का संभव नहीं है। फिर भी अगर अपन जो भी अपने पास कोमॉर्बिडिटी है उसको अगर कंट्रोल रखते हैं, खान पान का तो अब तो ऐसे भी कंपलसरी है कि अपन घर का ही खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, तो ये सब चीजें अगर अपन करते हैं धीरे 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 तो इससे हमको फायदा मिलता है। और एक्स्ट्रा इन्फेक्शन होने की गुंजाइश अगर अपन लॉकडाउन के नियम को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत कम हो जाते हैं। और मैं तो ये बोलूंगा कि ऐसा ईश्वर ने बनाया है कि इतने बहुत कम प्रिकॉशन में अपन इस चीज से बचा जा सकता है जो एक वृहद लूप ले सकता है, जिसके हमले कुछ नहीं करना है, हाथ धोना है जो हमारे प्रैक्टिस में है, डिस्टेंस बना के रखना है ये हम सब जानते हैं, बाहर निकलना नहीं है, बाहर का कुछ खाना नहीं है, बाहर से लेन देन कुछ करना नहीं है अनलेस वेरी नेसेसरी, तो ये आराम से अपन 15-20 दिन निकालने से इसको बचाया जा सकता है। तो मुझे लगता है लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये उसकी हेल्थ के लिए है, फ्यूचर के लिए है, उसके परिवार के लिए है, और सबसे अच्छा है कि सरकार अभी उसको सब चीजें दे रही है। राजेश जी आपके पास मैं आऊंगी, मध्य प्रदेश में जिस तरह से हम आंकड़े देख रहे हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लॉकडाउन भी कर दिया गया, लॉकडाउन को सख्त भी कर दिया गया, बावजूद इसके मरने वालों की और कोरोना पॉजिटिव होने वालों की जो संख्या है वो बढ़ी रही है, इसके पीछे कारण आप क्या मानते हैं? मैडम जैसे जैसे वक्त गुजरते जा रहा है हम लोगों के पास जो है जो टेस्टिंग किट्स उसकी संख्या ज्यादा होती जा रही है, और एक प्रकार से फैसिलिटी ज्यादा होने से भी हमको पॉजिटिव केसेस ज्यादा मिलते आ रहे हैं, एक तो कारण ही हो सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा इन्फेक्शन है, लेकिन हाँ ऐसे शहर जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा है जैसे इंदौर है, इंदौर में डेफिनेटली जो है, अगर आप भारत की बात करते हैं तो महाराष्ट्र और केरला ये 2 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे बाहर से ज्यादा लोगों का आना जाना है, केरला डायरेक्ट साउथ से लगता है, सऊदी से लगता है, और महाराष्ट्र में बॉम्बे से, बॉम्बे है, और काफी फ्लाइट जो है मतलब हम लगभग मान के चले हैं कि 23-24 तारीख तक तो जो है डोमेस्टिक फ्लाइट से आना जाना था, 30 जनवरी को पहला केस मिला है, तो जनवरी से लेकर पूरा फरवरी जो है ट्रेन बसेस डोमेस्टिक फ्लाइट्स और सारी चीज़ें आवक जावक थी, तो उस वक्त जो जहां आ गए और आ गए वो बात है। और दूसरा जो है मध्य प्रदेश में लगभग 30 लाख श्रमिक ऐसे हैं जो असंगठित मजदूर ऐसे हैं जो यहां काम कम होता है बाहर चले जाते हैं, और अभी रिसेंटली जो है काफ़ी मजदूरों का जो पलायन हुआ है इसके कारण भी जो जहां जहां गए हैं नंबर्स बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि देखिए नंबर बढ़ना एक अलग बात है लेकिन फिर भी इससे ठीक होने वालों की संख्या काफी ज्यादा है, हम अभी भी जो है जितना सावधानी ले सकें उतनी सावधानी ले, डेथ्स अभी भी कम है, 2.8% डेथ है जो अभी विश्व के जो 4-5% डेथ से अभी भी कम है, और ये वो डेथ है जो कि मतलब ओल्ड एज में है और उसके कई कोमॉर्बिडिटी है, तो हिम्मत से काम लेना है हम सबको। और दूसरी बात है कि हम अपने आप इस वायरस को मरने दें, ये वायरस कैसे अपने आप निष्क्रिय होगा अगर हम 14-15 दिन तक मान लीजिए अगर पता भी चल जाता है कि कोई पॉजिटिव केस है वो 14-15 दिन तक अपने आप को सुरक्षित रखता है दूसरों से भी और दूसरों को भी सुरक्षित रखता है,
वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर स्वयं क्वारंटीन में चले जाता है, तो उसने अपने आप इस वायरस पे काबू पा लिया, अपने समाज से भी और अपने परिवार से भी वो उनको बचा के रखता है। जी मडरी जी, आपके पास मैं आऊंगी कि लक्षण के कई सारे माध्यम से बताया गया कि कोरोना के क्या कुछ लक्षण हैं, तो मैं चाहूंगी कि जनता को आप ये बात साफ कर दें कि क्या कुछ लक्षण देखे जाने पर आपको हॉस्पिटल में जाके अपनी जांच करानी है, और ये कब करवानी है ये भी आप साफ कर दें। चाहे कोरोना का जो समान लक्षण है सर्दी खांसी बुखार से ही होता है, और इसके और बहुत ज्यादा लक्षण भी हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकता है, लॉस ऑफ सेंस वो स्मेल हो सकता है, इवन डायरेक्ट कार्डियक प्रॉब्लम से आ सकता है, लूज मोशन डायरिया से डिसेंट्री से भी हो सकता है, ब्रेन के भी लक्षण हो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या 10-12-15% 25% तक है। सामान्य लक्षण जो 70-80% है सर्दी खांसी बुखार, अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार होता है और उसको कांटेक्ट की हिस्ट्री है या ट्रेवल की हिस्ट्री है, तो उन्हें तो तुरंत ही जाके अपने आसपास के जो फैसिलिटीज अवेलेबल है कोरोना के लिए सरकार ने जो बनाई वहाँ जांच कराना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, और उसी समय जब हमें लगता है कि ये सब कुछ लक्षण है तभी हमें मास्क का यूज तुरंत करना चाहिए। घर के अंदर रह के मास्क लगाने का कोई मतलब नहीं है उसमें, लेकिन जैसे हम केयर कर रहे हैं किसी का जो सर्दी खांसी बुखार है तो घर में है तो भी मास्क यूज करें। मदन जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, विदिशा से एक हमारे साथ में कॉलर जुड़ गए हैं, नीलेश नितेश बताइए क्या कुछ सवाल है आपका, क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? हाँ, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी से सवाल है मेरा जी कि सर जो COVID-19 है इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, मतलब डॉक्टर्स अभी फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं इसका, अभी जैसे अगर संक्रमित पाया जाता है तो? देखिए नितेश जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि वायरस जो इन्फेक्शन होते हैं उनका कोई ऐसा निश्चित ट्रीटमेंट नहीं होता। वायरस जो है ये बॉडी में आते हैं और हल्का फुल्का संक्रमण करके चले जाते हैं। हम ट्रीटमेंट तब करते हैं कि वायरस अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वायरस हमारी इम्यूनिटी पे अटैक करता है, हमारी इम्यूनिटी लो होती है और उस लो इम्यूनिटी के कारण सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं, मतलब हमारे शरीर में अक्सर ऐसे जो कुछ बैक्टीरियाज हैं जो सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, अगर हमारी इम्यूनिटी लो होती है तो वो जो सुप्त अवस्था में जो बैक्टीरिया है वो हावी होकर हमको परेशान करता है, उसे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं। अदरवाइज वायरस की ट्रीटमेंट केवल प्रिवेंशन है, हम अपने आप को इतना स्वस्थ रखें, हमारी प्रतिरोधक क्षमता इतनी बेहतरीन हो, हमारी अंदरूनी जो ताकत है इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि हमको जो है छोटे मोटे वायरस अटैक ना करें। तो सबसे पहले तो वायरस का ट्रीटमेंट अगर हम बोलते हैं तो जो आज कहा जाता है कि हमको ट्रीटमेंट करना, तो हॉस्पिटलाइज होके हम उस पेशेंट को ये देखते रहते हैं कि कहीं वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में CVT में तो नहीं जा रहा है, ARDS में तो नहीं जा रहा है जिसमें कि ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, तो वहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको। ये जो जैसा डॉक्टर मडेरिया ने बताया है कि बुखार सूखी खांसी और ब्रेथलेसनेस, उसके बाद जो है जो अगर वो इम्यूनिटी लो होने के कारण एकदम से हावी होता है फेफड़ों में जाके, उस कंडीशन में पेशेंट को कभी वेंटिलेटर पे लाना पड़ता है, नहीं तो आपने देखा होगा कि कितने बड़े आंकड़े हैं जो हॉस्पिटल से ठीक होके भी जा रहे हैं, ठीक होके जा रहे हैं जी। और भोपाल से हमारे साथ में एक और कॉलर छूट गया है, विनोद बताइए क्या कुछ सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा शर्मा जी से सवाल है कि जो लक्षण है वो क्या होते हैं और अपन अगर इलाज नहीं करवा पाए तो कितने दिन में डेथ संभव है इसकी? आदरणीय क्या नाम बता विनोद जी, देखिए अगर पहला संक्रमण होता है, जैसे मुझे कोरोना नहीं है और मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मेरा एक्सपोजर होता है जिसको कोरोना है और मुझे संक्रमण अगर पकड़ता है तो पांचवें दिन के बाद मुझे लक्षण आएंगे। लक्षण क्या हो सकते हैं? बुखार हो सकता है, सूखी खांसी हो सकती है, ये लक्षण आएंगे। और इसमें जो है अक्सर हो सकती है अगर मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँगा, मैं अपना हाइड्रेशन ठीक रखूँ, अपना हाइजीन ठीक रखूँ, मैं अपना खान पान ठीक रखूँ और मैं ठीक हो जाऊँगा। इसमें 14-15 दिन में जो है अगर रखा जाता है, मैं ठीक ठाक रहता हूँ तो मोस्टली लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इसमें परेशानी केवल तब होती है जैसे 6वें-7वें दिन आपको हेडेक हुआ, सूखी खांसी हुई, मतलब गले में जो है वो बलगम बाहर नहीं आ पा रहा है। अगर गीली खांसी होती है तो बलगम बाहर आ जाता है, सूखी खांसी का मतलब ये होता है कि ड्राई कफ, मतलब इरिटेशन हो रही है और हम लोग बाहर उसको एक्सपेक्ट्रेट नहीं कर पा रहे। ये इन्फेक्शन ट्रेवल होकर जब नीचे जाता है तो लो इम्यूनिटी वालों को फिर ये सीवियरिटी आती है, फेफड़ों में बलगम जाम होता है, ARDS कहलाता है, उस कंडीशन में फिर वेंटिलेटर लगता है। तो अक्सर 8वें 9वें 10वें दिन जो है सीवियरिटी पे चले जाता है इन्फेक्शन।
और ये उनकी बात है जिनको इन्फेक्शन की सीवियरिटी हो रही है, डेथ कभी भी हो सकती है, 10वें दिन से लेकर 14 दिन तक डेथ हो सकती है। जी, और एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं भोपाल से, राहुल। राहुल बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, क्या कुछ सवाल है आपका बताइए। मेरा मैडम दोनों डॉक्टर से सवाल है कि आखिर, पहले तो रायपुर वाले डॉक्टर साहब से सवाल है कि आखिर ऐसा क्या कदम छत्तीसगढ़ ने उठाए हैं कि एक ऐतिहासिक विजय कोरोना की हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में मिल रही है। अधिकांश आपके जो मरीज छत्तीसगढ़ में हैं वो डिस्चार्ज हो गए हैं, गिने चुने मरीज अस्पताल में बचे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की हालत देखें तो रोज दिन पे आज ही 14-15 केस हम खबरों में देखते रहते हैं, केस सामने आ रहे हैं, तो क्या कमी मध्य प्रदेश में रह गई है, ये मैं डॉक्टर साहब जो भोपाल से बैठे हैं उनसे जानना चाहता हूँ। सर छत्तीसगढ़ का तो डॉक्टर मंडेजी ने जैसे जवाब दिया कि किसी भी जो जो टेरिटरी है, जो क्षेत्र है, वहाँ पे वहाँ से इन्फेक्शन पैदा नहीं हुआ। ये इन्फेक्शन ऐसा है कि जो पैदा ही वुहान से हुआ। 17 नवंबर को पहला व्यक्ति जो है वुहान में पॉजिटिव पाया गया था, 17 नवंबर को, और 17 नवंबर से एक व्यक्ति ने आज जो है कम से कम जो है मतलब मिलियंस को 10-12 लाख जितने भी लोग हैं पूरे विश्व में उसने धीरे धीरे करते करते इसको इन्फेक्शन को फैलाया। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ से जो चल के आ रहे हैं, जो इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं, जैसे हमको पता चलते जा रहा है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार का चौकसी है कि हमको जैसे ही पता चलता है कि कोई व्यक्ति बाहर से चल के आया है और उस व्यक्ति की अगर हिस्ट्री है कि या उस ऐसी जगह से आया है जहाँ से कि इन्फेक्शन है, तो हम जाके उसे टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट में अगर वो पॉजिटिव आ रहा है इसलिए ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर इंक्रीज होने का मतलब ऐसा नहीं है कि नए सिरे से कोई, ये ऑलरेडी जो पॉजिटिव केसेस हैं उनका पता चलता जा रहा है, हमारे जो जो धीरे धीरे जो लैब फैसिलिटीज हैं बढ़ते जा रही हैं। जी भडरिया जी, आपके पास मैं आऊंगी। शुरुआती दौर में ये भी कहा गया था, जब भारत में आंकड़े काफी कम थे कोरोना पॉजिटिव के, ये कहा जा रहा था कि अभी तक जांच नहीं हो पाई है, जांच किट काफी कम है, इसलिए जो मरीज हैं वो निकलकर सामने नहीं आ रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या काफी कम है। तो इस बात से आप कितना ज्यादा सहमत है कि जांच नहीं हो पाई है, इस वजह से पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आए हैं? नहीं, जांच का फैक्टर जो है वो तो हर जगह लागू होता है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है और जिस तरह से जिस मुस्तैदी के साथ यहाँ इसको फॉलो कराया जा रहा है और लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है केसेस कम आने के यहाँ। और शर्मा साहब जो बोल रहे थे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसका अगर कंपेयर किया जाए तो मध्य प्रदेश में, इंदौर में और जो बाकी जगह है वहाँ छत्तीसगढ़ की तुलना में ज़्यादा है। तो नेचुरली जहाँ ज़्यादा लोगों का आना जाना होगा वहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन होने की गुंजाइश है। और जिस तरह से यहाँ के लोग फॉलो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह से उतना स्ट्रिक्टली फॉलो अभी तक वहाँ नहीं दिखा, अभी कर रही है सरकार वहाँ, क्योंकि लोगों का कोऑपरेशन मुझे लगता है सरकार के जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने के लिए जो एफर्ट सरकार की है उसकी तुलना में अगर लोग उसको एक्सेप्ट करने लग जाए तो मुझे लगता है ज्यादा फायदा है और बहुत ही फायदा है उससे। तो मुझे लगता है डिफरेंस यही है जिसके कारण वहाँ ज्यादा है। जी चलिए, हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गए हैं दिल्ली से, विकास। विकास बहुत स्वागत है आपका। विनोद जुड़े हैं हमारे साथ में और बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, बताइए क्या कुछ सवाल है जो आप जानना चाहते हैं जिसका जवाब। इसमें ही पूछना है, बार बार हाथ धोने से खुश्की बहुत हो रही है, तो उसके लिए पहले क्या करना चाहिए? क्या कह रहे हैं? इनका सवाल है कि बार बार हाथ धोने से हाथों में खुश्की बहुत होती है, ड्राई हो जाते हैं हाथ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? विनोद जी, ये मेरे ख्याल से हाथ में अगर खुश्की हो रही है तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं या फिर आप कोई भी हल्का सा ऑयली चीज लगा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है जान ज्यादा प्यारी है, खुश्की होती है तो इसको अभी आप थोड़ा नजरअंदाज करें, अभी जब तक कोरोना पे विजय प्राप्त नहीं कर लेते 15-20 मिनट में हाथ धोना तो चालू रखें आप। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, खुर्शीद, बताइए खुर्शीद, बहुत स्वागत है स्वराज। सर मैं धर्मजयगढ़ डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ से डॉक्टर खुर्शीद खान बोल रहा हूँ। सर मैं ये बोला, सर पब्लिक पब्लिक पैलेस पे हाथ धोने की बात आती है, किसी एक दुकान पर अगर पेशेंट किसी को जाना है तो उससे पहले हाथ धोना है, तो हाथ धोने के लिए क्या एक ही साबुन का कई लोग यूज कर सकते हैं या लिक्विड है वो बेटर है या एक ही साबुन जो है वो बेटर है? नहीं नहीं, आप कोई भी साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं सर, घर में जो भी अवेलेबल साबुन है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अक्सर साबुन धोने के बाद में हम जो है
साबुन में सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, ऐसा नहीं, ऐसा मत समझिएगा कि हमने साबुन से हाथ धोया और जो जो वायरस है वो साबुन पे चिपक गए और दूसरे व्यक्ति को जो है वो साबुन से। राजेश जी, उनका सवाल है कि एक ही साबुन को सभी लोग यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आप साबुन से हाथ धोए और साबुन को जस्ट एक बार पानी की धार के नीचे रख के आप सुखा दीजिए, मतलब वापिस रख दीजिए जहाँ रखना है। आप आराम से एक ही साबुन से बहुत लोग साफ कर सकते हैं जी। राजेश जी, आप ही से मेरा सवाल है कि इससे पहले आपने बात की थी गले में खुश्की होती है, बलगम है, खांसी जुकाम, ज्यादातर जो लक्षण है वो गले से ही जुड़े हुए हैं। शुरुआती दौर में कुछ ऐसा भी कहा जा रहा था कि अगर आपके गले में कोई भी दिक्कत होती है जैसे कि सर्दी जुकाम खांसी, तो आप गर्म पानी से गरारे करें या गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करें। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि 4 दिन तक कोरोना गले में ही ठहरता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और ये जो नुस्खा बताया है ये कितना असरदार है? देखिए, इसमें अर्ध सत्य है, ऐसा नहीं कह सकते कि 4 दिन तक जो है वायरस जो है वो आपके गले में इंतजार कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा जो एक्सपोजर होता है, हम जो कोई भी बाहर से जो जो भी बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, वो अक्सर जो हमारी बॉडी के अपर्चर्स होते हैं उन्हीं से कोई भी इन्फेक्शन प्रवेश करता है। तो चूंकि ये ड्रॉपलेट से फैलता है, जो व्यक्ति खांसी कर रहा है, जो छींक मार रहा है, या जो भी हम हाथ जो है इन्फेक्टेड हाथ को अगर हम मुंह के आसपास ले जाते हैं, तो प्रवेश द्वार इसका मुंह या नाक ही है। तो यहाँ से जब जाएगा तो गले का पिछला हिस्सा जो है यही सामने आता है। यहाँ पे अगर जो है जितनी देर भी अगर वायरस ठहरता है उसमें अगर हम गर्म पानी पीते हैं, गर्म वातावरण में ये वायरस की निष्क्रियता ज्यादा हो जाती है, इसकी एक्टिविटी थोड़े ठंडे में ज्यादा है। तो अगर हम बार बार जो है 15-20 मिनट में कोई भी हॉट लिक्विड सिप करते जाते हैं, गरारे करना बहुत अच्छी बात है, कि गरारे ना भी करें, गर्म पानी पी लें, चाय कॉफी पी लें या कुछ भी ऐसा गर्म द्रव्य जो है हम 15-20 मिनट में लेते जाते हैं, तो चांसेस हैं कि वो जो गले में जो वायरस चिपका हुआ है वो सीधा आपके स्टमक में चले जाता है। तो स्टमक में जाने से चांसेस कहीं ज्यादा है कि वहां पे इसकी एक्टिविटी निष्क्रिय हो रही है। मरता नहीं है कि इसको बोल सकते कि बैक्टीरिया किल, वायरस किल हो गया, लेकिन फेफड़े की अपेक्षा अगर स्टमक में जाता है तो एसिडिटी और बाकी हमारे जो भी स्टमक के अंदर की चीजें हैं वहां पे जो है इसके ये थोड़ा निष्क्रिय होने के चांसेस कहीं ज्यादा है बजाय ये फेफड़े में चला जाए। तो गर्म पानी का महत्व, गरारों का महत्व इसलिए ज्यादा है कि अगर जो भी हम जो सांस लेते हैं अगर कोई बैक्टीरिया यहाँ पे थ्रोट के पीछे म्यूकोसा में चिपका भी हुआ है तो आपके गर्म पानी से उसकी निष्क्रियता मतलब एक्टिविटी कम हो जाएगी और आपको चांसेस जो है संक्रमण का वो कम हो जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गई है, झांसी से निशा है। निशा, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत से। वापस आऊंगी, इटारसी से जुड़ी है, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि फल और सब्जियों को डिटर्जेंट पाउडर से धोकर खाया जा सकता है क्या? जी मैडम, देखिए ये जो जो इसका वायरस का जो सीधा जो संक्रमण है वो अक्सर मैन टू मैन है, मतलब आप ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको कोरोना है और वो वहीं खांसी कर रहा है और वहाँ अगर कोई सब्जी पड़ी हुई है और उसको आपने हाथ से छू लिया तो ये एक रिमोट चांसेस है कि हाथ में संक्रमण आ जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा है कि हाँ, ये तो एक नियम साधारण होना चाहिए, अगर हम सब्जियां लेके आते हैं बाजार से सब्जी लेके आते हैं तो उसको जो है हम पोटेशियम परमैंगनेट से या गर्म पानी से या जो भी आपके पास साधन है उसमें धो के ही सब्जी का उपयोग करें जी। और एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं भोपाल से, अशोक। अशोक, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, बताइए क्या सवाल है आपका? अशोक से हमारा संपर्क टूट गया है। मधुरी जी, आपके पास आऊंगी। लॉकडाउन हो गया, बार बार हाथ धोने की बात को भी लेकर लोगों को जागरूक कर लिया, सैनिटाइजर की भी बात लोगों तक पहुंचा दी, इन सब के अलावा क्या कोई और भी ऐसे उपाय हैं जिनसे हम कोरोना से बच सकते हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है मडरिया जी? जी, ठीक है। हाथ धोने की बात हमने जनता तक पहुंचा दी है, सैनिटाइजर का भी लोग बखूबी उपयोग कर रहे हैं, कई तरह के जो उपाय थे वो हमने जनता तक पहुंचा दिए, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी चीजें हैं या उपाय हैं जिनको करके हम कोरोना से बच सकते हैं या छत्तीसगढ़ वाले खास तौर पर उसको अपना रहे हों? नहीं, हाथ धोना और सैनिटाइजर ये तो जरूरी है जी, लेकिन इसके साथ साथ जो है डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जैसे पेशेंट भी देख रहे हैं, जरूरत पड़ने पर सर्जरी भी कर रहे हैं जी, तो ये पूरे प्रिकॉशन के साथ कर रहे हैं, जिससे ना हमारे सेफ्टी के लिए और पेशेंट के सेफ्टी के लिए दोनों के लिए जरूरी है। और जो हम कपड़े पहन के जाते हैं, जैसे अस्पताल आए तो उसको बाद में पूरे के पूरे उसको
क्लीन करना होगा, डिटर्जेंट में कुछ देर के लिए डालना पड़ेगा, पूरे हर चीज़ को। तो हम जितने कम से कम चीज़ें हैं, जैसे कोई आदमी सब्जी लेने भी जाता है तो वो उतनी पैसा दे जितनी आवश्यकता है, जिससे उसको ना एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो सामान लेके जा रहा है वो सामान का जैसे बैग में लेके गया तो बैग को डिस्कार्ड कर दें, कि वो सामान को उठाए, सामान को थोड़ा सा कुनकुने पानी में थोड़ी देर धोए, ऐसा सामान यूज़ करे जिसको क्लीन कर सके, बेकरीज का सामान यूज़ ना करे। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो हमें बचाती हैं, क्योंकि केवल स्पेस ही बचना है हमको जी। और जरूरत पड़ने पर ही मास्क का यूज़ करें, हर जगह मास्क यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो चलिए ऐसे मढ़री जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ में जुड़े और तमाम तरह की जानकारियां आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से साझा की। थैंक यू। और डॉक्टर राकेश शर्मा आपका भी बहुत, राजेश शर्मा जी माफी चाहूंगी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका भी। तो आज के लिए हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। तो आखिरी में यही कहूंगी कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को हराना है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला जारी है। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के।